सुनिया दुनिया समझदी है ना 400 साल इबादत करता रहा पर इबादत दा ते बहाना सी तेरी राज कुली के बैठा रे आवा कह लगा सोनिया टुरी चले आए जद मुहम्मद सहाबी बन जाए कदे मेरी याद है दुआवा करया करी नाले सोनिया नबी नो मेरा पैगाम देवी ते आखी कमली वालिया ओ जंगला च बैठा बाबा कहंदा ना तेरा आज ही कलमा पढ़ चले आ मैं कुछ नहीं मंगदा इको अर्द कर चले आ जद कियामत दिहाड़ा वे अपने आलकां दी गिनती करें बेच मेरी भी गिनती कर ले। गिरामी कदर हजरात आप फरमाते ने मैं तिजारत का कारोबार शुरू किया ते मुल्के शाम तिजारत ले जा रहा अचानक राह विच जंगल ते जंगल च तूफान ते आंधी ते रात नू बारिश आ गई। अपने गुलाम नू बुला के फरमान लगे वेख किधरे रात गुजारन दी जगह मिल जाए। गुलाम ने अर्ज की मैं वेख के आया जंगल के किनारे ते कि ईसाइयां दा गिर जाए इजाजत होवे ते रात गुजारन दी जगह ते मैं इजाजत लेके आवां। फरमाया चल दोवें इकट्ठे चलने गए। अद्धी रात वेले दरवाजा खड़काया ते गिरजे च इक गुलाम बाहर आया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि असीं मुसाफिरां ते रात गुजारना चाहते हैं। बारिश आ गई तूफान आ गया जंगल दे अंदर। वह गुलाम कहन लगा कि अंदर जिहड़ा पादरी उहदी 400 साल उम्र है उहदा नाम है नस्तूरा राहब। कहन लगा कि हर वेले अल्लाह की इबादत कर दे। एक बार एक मुसाफिर आया सी ते उन्हें थे रात गुजारी ते उन्हें गुनाह किया उहदे गुनाह दी नुहूसत दी वजह तो पादरी दी इबादत च खलल आया। उन्हें कदे किसी नूं रात नहीं इजाजत दित्ती गुजारन दी तुसीं जा सकदे हो। सिद्दीक अकबर जंगल वल तुर पे ते मुड़ के फरमान लगे मैं ते चलिया पर पादरी नूं मेरा पैगाम जरूर देवी। ते उन्हें आखी कि आने वाला कह के गया कि तेरे को गारंटी है कि आने वाले ने गुनाह ही करके जाना है। इतना फरमा के आप टुर पे ते पादरी दा गुलाम जदों अंदर गया ते पादरी मैं किताबच पढ़िया इतना वडेरा कि उदियां अखां दियां भावां ते पलकां उदियां अखियां ते गिर गईयां अखियां नहीं खोल सकदा। उन्हें अखियां बंद ते इबादत कर दे अपने गुलाम नूं पुछदा रात वेले से इस वेले बाहर कौन थे। उन्हें आख्या को मुसाफिर रात गुजारन आया मैं इजाजत नहीं दिती थी। वो जांदा जांदा कह गया है कि पादरी ने पूछी कि तेरे को गारंटी है कि आने वाले गुनाह ही करके जाना है। उन्हें इस तरह करके अपनी अखां दियां पलकां पकड़ के खोलियां अख खोल के कह लगा दौड़ के जा ते उन्हें पूछ के आ तेरा नाम की है। गुलाम दौड़िया जंगल वल कह लगा जान वाले दरा रुक ते अपना नाम ते दस। आपने फरमाया लोग मैनु अबू बकर कहते ने जो मां ने नाम अब्दुल्ला रखे है। आके पादरी नु दसिया पादरी कह लगा फिर जाते उन्हें पूछ के आया कित्थों है। फरमाया मैं मक्के तो आया। पादरी कह लगा फिर जाते पूछ के आओ मक्का जड़ा दो पहाड़ा दे दरमियान है। फरमाया हाँ मैं उस मक्के दे रहने वाला। कह लगा फिर जाते उन्हें पूछ के चलिया कित्थे में। फरमाया मुल्के शाम जा रहा। पादरी कह लगा दौड़ के जाते उन्हें बुला के लैके आ। हुण गुलाम जंगल विच दौड़े ते सिद्दीक नूं आवाज़ मारे जी मेरा मेरा आका मेरा मालिक पिया बुलांदा जी। इन्हें कदे किसे नूं नहीं बुलाया पर तुहानूं पिया बुलांदा। नौजवानों सिद्दीक अकबर आए पादरी उठ के इस्तकबाल कीता कहन लगा तेरा नाम की है। फरमाया अबू बकर किथे दे रहन वाला मक्के दे रहन वाला ओ मक्का जड़ा दो पहाड़ा दे दरमियान किथे चलिया। फरमाया मुल्के शाम चलिया उस पादरी ने के पुराना जे संदूक खोलिया ओदे च पुरानी जी किताब निकाली कदे किताब दे वरके वेखदा है कदे सिद्दीक दा चेहरा वेखदा है नाले किताब पढ़ के कहन लगा तू ते ओही लगना। फरमाया मैं कौन लगना। कहन लगा जे नाराज ना हो मैं इक आखरी निशानी वखा दे। फरमाया बाबा मैं ते रात गुजारन आया इन सवाल क्यों पिया करना है। हाथ जोड़ के कहन लगा तेनु रब दा वास्ता है इक आखरी निशानी वखा दे। फरमाया बाबा दस की देखना है। कहन लगा जरा अपने पेड़ तू कपड़ा हटाया जे आपने पेड़ तू कपड़ा हटाया पेड़ उते दिल दा निशान वेखिया बाबे दी चीख निकल गई। कहन लगा तू ते ओई है। फरमाया दस बाबा की कहना चाहना है। कहन लगा जूर तू कदे बोलिया नहीं मैनू सच दसी तेरा यार कोई मुहम्मद भी है। नारे तकबीर हाथ उठा
नारे रिसालत नारे हैदरी मुस्तफा का हम सफर। तू ही भी बोलो, गोडिया दो हाथ चुक के बोलो, मुस्तफा का हम सफर। जिन्हें तवज्जो है वो बोले सुभान अल्लाह। तेरा यार कोई मोहम्मद भी है? सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर बड़ी हैरत ना बाबे वाल वेख के फरमा लगे, बाबा मेनू किवें जानना है ते मेरे यार नु किवें जानना है? कह लगा जो तेरा यार कोई मुहम्मद है ना? फरमाया हाँ, बचपन का मेरा यार कुरैशियां दे सरदार दा पुत्र है, काबे दे मतवली दा पुत्र है, सूरत भी सोहनी सीरत भी सोहनी, नाम उहदा मुहम्मद है। आपले फरमाया बाबा मैनू किवें जानना है? जवानों गल सुन के तड़प जाओगे। उस बाबे ने हाथ जोड़ ले, कह लगा अबू बकर तेनू कौन नहीं जानता? कह लगा मेरी गल करना है, रबे काबा दी कसम है, अल्लाह ने आसमान तो जिन्हिया किताबा जमीन ते उतारिया ने, उन्हां किताबा दे अंदर जिथे जिथे मुहम्मद दा नाम लिखिया है, नाल तेरा भी नाम लिखिया। हक मोहम्मद या मोहम्मद, आपने कहना या मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, नारा रिसालत। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। आसमान किताबा च रब ने कोई ऐसी किताब उतारी नहीं जिदे च रब ने मोहम्मद दे नाल तेरा जिक्र ना कीता होवे। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اللہ فرماندا ہے وہی کملی والا آیا جدا ذکر تورات تے انجیل چ پہلے موجود سی۔ صدیق اکبر بابے وال بڑی حیرت نہ ویکھے فرمان لگے، بابا کیویں دیاں گلاں کر رہے؟ بابا کہن لگا، سن ابو بکر، آ جڑیاں آسمانی کتاباں نے نا، انہاں کتاباں چ لکھیا ہے ओ जेड़ा तेरा यार मुहम्मद है ना, ओ अल्लाह दा आखरी नबी बनेगा, तू आखरी नबी दा पहला खलीफा बनेगा। लो भाई नौजवानों, बैंक का चीमा वाले और रात गुजरी, मास्टर साहब जिवें गुजरी, पर जद सिद्दीक सवेरे टुरन लगे ना, ते बाबा रो के कदम फड़ ले, कहन लगा सोनिया टुर भी चले आए। फरमाया बाबा मैं मुल्क शाम जाना है ना। कह लगा 400 साल पहले किताब जब पढ़िया, इस जंगल चु कदे सिद्दीक गुजरेगा। सुनिया दुनिया समझदी है ना, 400 साल इबादत करता रहा, पर इबादत दा ते बहाना सी, तेरी राज कुली पाके बैठा रहा वा। कह लगा सोनिया टुर चले आए, जद मुहम्मद सहाबी बन जाए, कदे मेरी याद है दुआवा करया करी, नाले सोनिया नबी नो मेरा पैगाम देवी। ते आखी कमली वालिया, ओ जंगला च बैठा बाबा, कहंदा मैं तेरा आजी कलमा पढ़ चले आ, मैं कुछ नहीं मंगदा, इको अर्द कर चले आ, जद कियामत दिहाड़ा वे अपने आलकां दी गिनती करे, बिच मेरी भी गिनती कर ले। मेरी भी कयामत नु गिनती आशकज कर ले। बैंक चीमा वाले सिद्दीक अकबर फातिमा ने मामूल के शाम आया, 6 महीने बाद मुड़ जद मक्के आए ना, अबू जाल मक्के दे बार मिलिया। कहन लगा अबू बकर बड़े दिनों के बाद वेखे, फरमाया मैं 6 महीने बाद आया, मैं मुल्के शाम तिजारत ली गया सा। कह लगा तेनू पता है तेरे पिछों मक्के की बनी? फरमाया की बनी? कह लगा वो जेड़ा तेरा यार मुहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़िया अजीब गल्लां करन लग पे ने। हजूर अच्छा वो की फरमांदे ने? अबू जाल कहन लगा वो कहंदे ने कि आ जिहड़े काबे च 360 बुत ने ना, ये सारे ही झूठे ने। वो कहंदे ने एक ही खुदा सच्चा है जिहड़ा नजर भी नहीं आता। वो कहंदे ने आसमान तो मेरे ते फरिश्ते नाज़िल होंदे ने, वो रब मेरे नाल गल्लां करदा है, मेरे ते कलाम मेरे नाल करदा है, मैं अल्लाह दा आखरी नबी बन के आया। वो अजीब गल्लां करदे ने, वो कहंदे ने बंदे ने मर के फिर जिंदा होना है।
قیامت دا دن آنا تے رب نو عملاں دا حساب دینا ہے تے ابو جال کہن لگا ابو بکر ایک مکے چ تو سیاں تے ایک میں سیاں تے مینوں سچی دس عقل مندی ہے بندہ مر کے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے ایک ہی عقل مندی گل صدیق اکبر کوئی جواب نہیں دیتا چپ کر کے ٹور پہ او تھے جا کے تے مڑ کے ویکھیا تے مڑ کے فرما دے نے او جو میرا یار کہندا ٹھیک ہی ہے ابو جال کہن لگا کیویں ٹھیک کہندا ہے تے صدیق اکبر فرمان لگے او چلیا جیڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکدا ہے او دوجی وار بھی بنا سکدا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وھو بکل خلق علیم بھائی چیز نو پہلی وار بنانا مشکل ہوندا دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوندا تے جیڑا رب انسان جیڑا ہے ہی کچھ نہیں سی جیڑا رب مٹی وچو بندے نو بنا سکدا ہے او دوبارہ مٹی چوں نہیں بنا سکدا کاش تسی سبحان اللہ بول دیندے سبحان اللہ تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا اپنا بھی نہیں نال دیتا بھی ہاتھ چکو نا سہارا کراؤ تو بولو سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سب فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں نہیں میں جلدی جان چھڑ دیواں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا بھائی تے میں جلدی جلدی بات نو سمیٹنا بھی ہے اچھا جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا دروازہ کھڑکایا جا کے صدیق نے پوچھا حضور کتھے نے اما خدیجہ نے فرمایا کوہے ابو قبیس وال گئے نے صدیق اکبر جدو کوہے ابو قبیس وال آئے او چوٹی تے میرے نبی بیٹھے صدیق دوڑے چوٹی وال میرے نبی جدو اج اپنے یار نو ویکھیا نا انج اٹھ کے میرے نبی بازو پھیلا لے جدو آئے تے سرکار نے بازوں دے وچ لے کے جفا ماریا نا تے کان وچ صدیق حضور نو کہہ لگے آ میں کی پیا سننا جی حضور نے فرمایا جو سنے سچ سنے عرض کی تھی کملی والے تو اڈا دعویٰ کیے فرمایا ابو بکر میں نبی بن کے آیا ہوں عرض کی تھی سنے نبی معجزہ لے کے آندے نے کہ نبی بن کے آئے ہو معجزہ کیڑا لے کے آئے ہو نبی کریم نے فرمایا ابو بکر یار بہتے معجزے کی کرنے نے دس او جنگل والے بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے